हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने लड्डू गोपाल के लिए इस तरह की बड़ी प्यारी सी ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस मैंने 2 और 3 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बनाई है। इस ड्रेस को मैंने रेड कलर के फूल से और ग्रीन कलर की पत्ती से डेकोरेट किया है। बीच बीच में मैंने इसमें स्टोन चैन की पट्टियों से लगा के इसे डेकोरेट किया है। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने 12 नंबर का क्रोशे का यूज़ किया है। ये ड्रेस हमारी 3 कलर से बनाई है, येल्लो, ग्रीन और रेड कलर से। आज इस वीडियो में हम अपनी ड्रेस का घेरा बनाना सीखेंगे, रेड कलर के फ्लावर और ग्रीन कलर की पत्तियां बनाना सीखेंगे। इसकी चोली मैंने पहले अपने वीडियो में बनाना बताया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसे देख सकते हैं। इसमें मैंने नीचे 2 ग्रीन कलर की पत्तियाँ लगाई हैं, उसके ऊपर एक रेड कलर के फूल से इसे डेकोरेट किया है। रेड कलर के फूल के ऊपर मैंने एक राउंड पर्ल भी लगाए। इस तरह से मैंने अपनी ड्रेस को बनाया और इसे डेकोरेट किया है। चलो आज हम इस तरह की ड्रेस बनाते हैं। ये ड्रेस बनाना शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन में भी आप ऑल के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे हर तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस चैनल में मैं निटिंग की और क्रोशे की दोनों तरह की ड्रेस अपने लड्डू गोपाल की बनाना बताती हूँ, इसलिए आप ऑल के बटन को दबाना ना भूलें। चलो अब हम ये ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने रेड कलर के फ्लावर और ग्रीन कलर की पत्तियां बनाना भी बताया है। तो चलो अब ये ड्रेस हम बनाते हैं। ये ड्रेस बनाने के लिए मैंने अपनी चोली बना के तैयार कर ली। ये चोली मैंने अपने पिछले वीडियो में बनाना बताया है, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे जाके देख सकते हैं। ये 2 नंबर के कान्हा जी की चोली है, तो आज हम 2 और 3 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे। तो शुरू में हम 3 चैन बनाते हैं। 3 चैन बनाने के बाद इसी चैन में मैं 1 डबल क्रोशा और बनाती हूँ। उसके बाद हमारा अगला जो डबल क्रोशा होता है, इसमें हमने हाफ डबल क्रोशा बनाया, तो इसी को हम आगे से उठाएंगे। अपने क्रोशा हुक को इस तरह अंदर डाल के अपने डबल क्रोशा को इस तरह से उठा लेंगे, इसके अंदर हम डबल क्रोशा बनाएंगे, जिसे हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा बोलते हैं। एक तो बना लिया हमने, अब इसी जगह पर एक और बनाती हूँ। तो हमें एक ही डबल क्रोशिया के अंदर 2 बार फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद हम अपनी अगली चैन के अंदर 1 डबल क्रोशिया और फिर इसी चैन में हम दूसरा डबल क्रोशिया बनाते हैं। इस तरह हमारी एक चैन में तो 2 डबल क्रोशिया बनेंगे, और उसके आगे हमारा जो डबल क्रोशिया होगा उसे आगे से उठा के बनाते हुए हम 1 बार बनाते हैं, फिर इसी जगह में इसमें 2 बार बनाती हूँ। इस तरह हमारे 2 बार डबल क्रोशिया बनता है। फिर हम अगली चैन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2। फिर हमारा डबल क्रोशिया जो हमें आगे से उठा के बनाना है, इसमें हम 2 बार बनाएंगे, 1 2। इस तरह बनाते हुए हमारी ये फर्स्ट रो हम कंप्लीट करेंगे। हमें एक चैन, जैसे हमने ये आगे से 2 फ्रंट डबल क्रोशिया बना लिए, तो इसके अगली चैन में तो हमें एक ही चैन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। एक ही चैन में तो हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, और फिर उससे अगले डबल क्रोशिया को हमें आगे से उठा के फ्रंट पोस्ट 1 डबल क्रोशिया में ही 2 बार फ्रंट पोस्ट बनाना है, 1 और 1 2। इस तरह मैं अपनी ये फर्स्ट रो कंप्लीट करती हूँ। इस तरह मैंने अपनी ये फर्स्ट रो कम्प्लीट कर ली। फर्स्ट रो कम्प्लीट करने के बाद इसमें हमारे 10 जगह पर फ्रंट डबल क्रोशिया बनते हैं, और बीच में हमारे 2 डबल क्रोशिया बनते हैं। अब लास्ट में हम इसके लास्ट मैंने अभी फ्रंट डबल क्रोशिया बनाया है, लास्ट में इसे मैं यहाँ पे स्लिप चैन से जोड़ देती हूँ। हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब सेकंड रो में हम यहीं पे हम शुरू में 3 चैन बनाते हैं। 1 डबल क्रोशिया तो हमारा हो गया है, एक इसी जगह हम एक और बनाएंगे, तो हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब अगली चैन में हम बनाएंगे, तो इस तरह हमारे बीच में हम 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। उसके बाद 2 हमारे फ्रंट डबल क्रोशिया आ गए, तो इन दोनों को अलग अलग बनाएंगे। पहले को मैंने आगे से उठा के बनाया, फिर दूसरे को भी बनाती हूँ। इस तरह हमारे 2 फ्रंट डबल क्रोशिया हो गए। अब बीच में हमारे 2 डबल क्रोशिया आ गए, तो इनमें हम बीच में हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 1 2
दो के हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए, 3 चैन हो गई हमारी। अब आगे के दो फ्रंट डबल क्रोशिया को हम आगे से बना लेते हैं, एक दो, फिर हमें दो के 3 डबल क्रोशिया करने हैं, 3 चैन रहती है, एक दो तीन, एक चैन तो हमारे बीच में रहती है और दो चैन हमारी डबल क्रोशिया फ्रंट डबल क्रोशिया के पास में रहती है। अब आगे से हम फ्रंट डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह बनाते हुए मैं अपनी ये सेकेंड रो भी कंप्लीट करती हूँ। अब के बीच में हमारे 3 3 डबल क्रोशिया हो जाते हैं और बीच में अब हमारे ये दो ही रहेंगे सभी गए ऊपर तक, सभी लाइनों में फ्रंट डबल क्रोशिया तो दो रहेंगे और बीच में जो हमारी लाइन है उन लाइनों में 3 हो गई, अगले में 4 हो जाएंगे। इस तरह बीच के डबल क्रोशिया बढ़ेंगे। तो मैं सेकेंड रो कंप्लीट करके ले आती हूँ। इस तरह हमारी इसकी सेकेंड रो कंप्लीट हो गई। इसके लास्ट में हम इसे स्लिप चैन से जोड़ देते हैं। इसे हमने स्लिप चैन से जोड़ लिया। स्लिप चैन से जोड़ने के बाद यहाँ पे मैं 3 चैन बनाती हूँ। अब इसके आगे मैं इसमें सभी चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाऊँ, एक दो तीन, तो हमारे कुल 4 डबल क्रोशिया हो गए। आगे हमारे दो फ्रंट डबल क्रोशिया आ गए, इनको मैं आगे से बना लेती हूँ। फिर हमारे 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। तो यहाँ पे बीच में हमारे 4 चैन रहती हैं, एक दो तीन और ये 4, ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। फिर आगे से हम इसमें दो अपने आगे से उठा के दो फ्रंट डबल क्रोशिया बना लेते हैं। फिर वापस से हम 4 बना लेंगे। जो हमारे दो डबल क्रोशिया हैं फ्रंट, वो तो दो ही रहेंगे, बीच में हमारे हर रो में एक एक डबल क्रोशिया बढ़ जाएगा। शुरू में हमने दो बनाए थे, फिर 3 हो गए, अब 4 हो गए, अगली रो में 5 हो जाएंगे। अब इसमें ये रो भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें दो रो और निकाल के कंप्लीट करके ले आती हूँ। इस तरह मैंने अपनी ये 3 रो निकाल के कंप्लीट कर ली हैं। अब इसमें कुल हमारी 1 2 3 4 5 रो हो जाती है। 5 रो हो गई तो बीच में तो हमारे 6 डबल क्रोशिया हो गए और 2 डबल क्रोशिया हमारे फ्रंट डबल क्रोशिया हो गए। इस तरह हमारी कुल इसमें 5 रो निकाल ली। अब इसके बाद मैं इसमें अपना ग्रीन कलर लगाऊंगी। ग्रीन कलर शुरू में इसमें ग्रीन कलर लगा लेती हूँ। यहाँ पे इसी लूप के अंदर इस तरह लूप डाल लेंगे हम, हमारा ग्रीन कलर जुड़ जाएगा। येलो कलर को हम इस तरह से नीचे खींच देंगे। अब इसी जगह मैं 3 चैन बनाती हूँ ग्रीन कलर से, और इसी जगह जहाँ पे हमारी चैन बनी है उसी जगह एक डबल क्रोशिया और बना लेती हूँ। अब आगे के हमारे 5 डबल क्रोशिया में हम एक एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो कुल हमारे इसमें 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तीसरा, ये चौथा, पांच, छह, ये हमारा 7वां। 6 डबल क्रोशिया तो हमने बना लिया, एक हमारा चैन का। इस तरह 7 डबल क्रोशिया हो गए। अब आगे के 2 डबल क्रोशिया को आगे से उठा के बनाना रहता है हमें, एक दो, फिर बीच में हमारे 7 डबल क्रोशिया बनेंगे, फिर आगे से 2 डबल क्रोशिया उठा के बनेंगे, बीच में 7 हो जाएंगे, फिर 2 डब आगे से उठा के बनेंगे। इस तरह इसमें ये रो कंप्लीट करूंगी। इसके बाद इसमें एक ग्रीन कलर की और रो कंप्लीट करूंगी जिसमें बीच में हमारे 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगे और ये 2 डबल क्रोशिया हमें आगे से उठा के बनाना है। तो ये दोनों ग्रीन कलर की रो में कंप्लीट करके ले आती हूँ। इस तरह मैंने अपनी ग्रीन की दोनों रो निकाल के से कंप्लीट कर लिया है और अपनी उनको कट कर दिया है। अब यहाँ पे वापस से हम अपनी येलो कलर की ऊन जोड़ेंगे। तो इसी लूप के अंदर मैं अपने येलो कलर की ऊन जोड़ लेती हूँ इस तरह से, और अपने लूप को इस तरह से नीचे खींच देती हूँ। अब शुरू में हम यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे जिस तरह से हर बार बनाते हैं। 3 चैन बनाने के बाद हम इसमें यहीं इसी चैन के पास में एक डबल क्रोशिया और बनाते हैं। और बाकी के सभी चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी।
ग्रीन की बनाई, जब लास्ट में हमारे 2, 4, 6, 7 और 1, 8, 8 डबल क्रोशिया बनते हैं बीच में। शुरू में हमने 2 बनाए थे, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, बीच में तो 8 डबल क्रोशिया बनते हैं और 2 रो हमारी आगे से उठा के बनती है। इस बार हमारे 9 डबल क्रोशिया बनेंगे। दो तो हमारे बन गए, 7 और बना लेती हूँ। आठ और ये 9, कुल हमारे 9 डबल क्रोशिया हो गए बीच में। 9 डबल क्रोशिया होने के बाद वापस से हम अपने 2 डबल क्रोशिया आगे से उठा के बनाएंगे। इससे मैं अपनी ये येलो की रो भी कंप्लीट कर लूंगी और अपनी उनको कट कर दूंगी, क्योंकि इसके बाद हमारी ये ड्रेस है कंप्लीट हो जाती है। तो येलो की रो कंप्लीट करके मैं ले आती हूँ। इससे मैंने अपनी ये येलो कलर की ऊन लगा के अपनी ड्रेस को कंप्लीट कर लिया है और अपनी उनको मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। अब अपनी ड्रेस पे लगाने के लिए हमें इस तरह के, मैं अपनी ड्रेस पे इस तरह से फूल से डेकोरेट करूँगी, इस तरह की पत्तियाँ बनाऊँगी। तो मैं सबसे पहले फूल बनाना बताती हूँ आपको। इसके लिए मैं सबसे पहले अपनी रेड कलर की ऊन लेती हूँ। रेड कलर की ऊन लेने के बाद मैं इसमें एक नोट बनाती हूँ। नोट बनाने के बाद इसमें 4 चैन बनाती हूँ, 1, 2, 3, 4। 4 चैन बनाने के बाद हमारी पहली चैन होती है, उस चैन में इसे हम स्लिप चैन से जोड़ देते हैं। स्लिप चैन से जोड़ने के बाद हमारे इसमें बीच में एक होल बन जाता है। तो यहाँ पे मैं शुरू में एक चैन बनाती हूँ और इसी जगह पे एक सिंगल क्रोशिया बनाती हूँ। तो ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया हो गया। उसके बाद मैं इसमें एक चैन बनाऊँगी, उसके बाद इसमें सेकेंड दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसमें एक चैन और बनाती हूँ, फिर ये मेरा तीसरा सिंगल क्रोशिया हो गया, फिर मैं तीसरी चैन बनाती हूँ, चौथा सिंगल क्रोशिया, चौथी चैन, पांचवा सिंगल क्रोशिया, फिर ये पांचवी चैन, ये मेरा छठा सिंगल क्रोशिया और ये मेरी छठी चैन। इस तरह हर सिंगल क्रोशिया के बाद एक चैन बनाती हूँ और लास्ट में इसे मैं यहाँ पे स्लिप चैन से जोड़ के अपनी एक रिंग बना देती हूँ। इस तरह से हमारी एक रिंग बन गई। अब रिंग बनने के बाद जो हमारा पहली वाली चैन है, उस चैन में हम इसे, हमारी फर्स्ट चैन ये, इस चैन के अंदर हम इसे इस तरह से स्लिप चैन से जोड़ लेते हैं। अब इसी जगह पे मैं इसमें 3 चैन बनाती हूँ। 3 चैन बनाने के बाद इसमें मैं 5 बार एक ही जगह लूप लेंगी। पहले अपनी ऊन को क्रोशिया हुक पे लेती हूँ, फिर अपने चैन में इस तरह डालती हूँ और नीचे से एक क्रोशिया हुक। तो इस तरह हमारे एक लूप लेने पर 2 बार ऊन आती है। फिर ये दूसरा लूप लेंगी मैं, तो ये हमारी 4 बार ऊन हो गई। फिर मैं तीसरा लूप लेती हूँ, तो ये हमारी 6 बार ऊन हो गई। ये चौथा लूप लेते हैं हम, 8 बार लूप हो गया। ये 5वां लूप लेते हैं, तो ये 10 बार लूप हो गया। इस तरह हमारी ये 1 बार 10 बार हमारी ऊन आ गई। अब अपनी ऊन को क्रोशिया हुक में डालेंगे, इस तरह इन 10ों के बीच में से हम निकाल देंगे। लास्ट में हमारे 2 बच जाते हैं। अब इन 2 को 1 कर देते हैं। 1 करने के बाद वापस से मैं इसमें 3 चैन बनाती हूँ। 3 चैन बनाने के बाद इसी जगह पे मैं इसमें इसे स्लिप चैन से जोड़ देती हूँ। इस तरह हमारा एक पत्ती का एक लूप बन गया। अब आगे हम जो हमारी अगली चैन है उसमें वापस से हम इसे स्लिप चैन से जोड़ देते हैं। उसके बाद वापस से इसमें 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद इसमें वापस से हम लूप लेंगे। पहला लूप तो हमारा ऊपर से क्रोशिया हुक से ले लेते हैं, फिर दूसरा लूप हमारे नीचे से लेते हैं। इस तरह हमारा एक लूप बन गया, फिर ऊपर से लेते हैं, फिर नीचे से लेते हैं। इस तरह हमारे 2 लूप बन गए, फिर ऊपर से लेंगे ऊन को, फिर नीचे से 3 लूप, फिर ऊपर से और फिर हमारे नीचे से 4 लूप, एक बार ऊपर से और एक बार नीचे। इस तरह हमारे 5 लूप बन गए। 5ों लूप को इस तरह बराबर कर लेते हैं और फिर अपनी ऊन को ऊपर से लेके इन 5ों के अंदर से निकाल देते हैं। तो हमारे लास्ट में 2 लूप बच जाते हैं। इन 2 को हम इस तरह से एक कर देते हैं। एक करने के बाद फिर हम वापस से 3 चैन बनाते हैं। अब जहाँ से हमने शुरू किया था उसी जगह हम इसे स्लिप चैन से जोड़ देते हैं। इस तरह हमारी ये दूसरी पत्ती भी बन गई। अब इसके बाद हमारी अगली चैन है, उसमें वापस से हम स्लिप चैन से जोड़ देते हैं और फिर इसी तरह से हम सभी पत्तियाँ बनाएंगे। शुरू में 3 चैन बनाते हैं, इसी जगह यहाँ पर चैन बनाई थी उसी जगह से हम अपने 5 बार लेते हैं अपने लूप को। तो 1, 2,
चार, पांच। पांच बार लेने के बाद अपने क्रोशिया हुक में ऊन को लेते हैं और उन सभी को एक साथ निकाल देते हैं, लास्ट वाले को रख लेते हैं। लास्ट में हमारे दो बच जाते हैं, इन दो को हम एक कर देते हैं। फिर तीन चैन बनाएंगे और जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पे हम इसे स्लिप चैन से जोड़ देते हैं। तो इससे हमारी तीसरी पत्ती बन गई। अब आगे हम अपनी चौथी चैन के अंदर अपने क्रोशिया हुक से इसे स्लिप चैन से जोड़ देते हैं। और इसी तरह से जैसे मैंने तीन पत्तियाँ बनाई हैं, बाकी की तीन पत्तियाँ बना के इसे मैं इस तरह मैंने इसकी लास्ट वाली पत्ती बना ली है। फिर मैं तीन चैन बनाती हूँ। मैं तीन चैन बनाने के बाद जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पे से हम स्लिप चैन से जोड़ देते हैं। और फिर मैं अपनी ऊन को यहाँ से कट कर देती हूँ। इस तरह हमारा ये फूल बन गया है। इस तरह मैंने अपने सभी फूल बना लिए हैं। अब इसके साइड में लगाने के लिए हम अपनी पत्ती बनाएंगे। तो इसके लिए मैं अपनी ग्रीन कलर की ऊन लेती हूँ। ये मैंने ग्रीन कलर की ऊन ली है। इसमें शुरू में मैं इसमें अपने नोट बनाती हूँ। नोट बनाने के बाद मैं इसमें सात चैन बनाऊंगी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और ये सात। सात चैन में तुम्हारी पत्ती बनेगी। अब इसमें एक चैन और बनाते हैं, आठ। तो अब पहली चैन तो हम छोड़ देंगे। दूसरी चैन के अंदर मैं इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाती हूँ। फिर अपनी अगली चैन के अंदर मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो दूसरी चैन में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया। अब अगली चैन में भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन इसमें ट्रिपल क्रोशिया की तरह बनाएंगे। ऊपर एक लूप लेती हूँ, अपनी चैन में डालती हूँ और तीन लूप आ गए। तो इसमें पहले हम पहले वाले लूप में बनाते हैं, फिर अगले लूप में, अगले दो लूप में बनाऊंगी, फिर अगले दो लूप में। शुरू में इसमें हम पहले लूप में एक बार बना लेते हैं। अगली चैन में भी हम अपना डबल क्रोशिया बनाएंगे, जिसे हम ट्रिपल क्रोशिया की तरह बनाएंगे। तो इसमें एक बनाया, पहले लूप में बनाया मैंने, फिर अपने दो लूप में बनाऊंगी, फिर दो लूप में। अब इसी चैन में मैं एक और बनाऊंगी। पहले लूप में बनाया, फिर दूसरे में बनाया, दो में बनाया, फिर दो में। तो हमने पहले सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर डबल क्रोशिया बनाया, फिर डबल क्रोशिया को ट्रिपल क्रोशिया की तरह बनाया। अगली चैन में हमने एक ही चैन में दो डबल क्रोशिया को बनाया जो ट्रिपल क्रोशिया की तरह बनते हैं। अगली चैन में भी हम अपने डबल क्रोशिया को बनाएंगे जो ट्रिपल क्रोशिया की तरह बनेगा। पहले एक में लेते हैं, फिर दो लूप में, फिर दो लूप में। इस तरह हमारे एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच चैन तो बन गई, दो चैन और बची। तब इस लास्ट वाली चैन में हम इसमें लास्ट फर्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाते हैं हम। फिर लास्ट वाली चैन में मैं इसमें एक वापस एक सिंगल क्रोशिया बनाती हूँ। इस तरह हमारी एक तरफ की पत्ती कंप्लीट हो गई है। अब इसके ऊपर मैं इसमें दो चैन बनाती हूँ। दो चैन बनाने के बाद अपने वर्क को मैं घुमा लेती हूँ। जो हमारी फर्स्ट चैन है उस चैन में मैं यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाती हूँ। इस तरह मैं यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाती हूँ। तो हमारी ये पत्ती की टिप बन जाती है। अब आगे की जितनी भी चैन है जिस तरह से हमने बनाया उसी में उसी तरह से बनाएंगे। अगली चैन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। अपनी इस ऊन को साथ में लेके चलेंगे जिस ऊन से हमने नोट बनाई थी। एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद अगली वाली चैन में हमें एक डबल क्रोशिया को ट्रिपल क्रोशिया की तरह बनाना है। एक बार, फिर दो लूप को, फिर दो लूप को। फिर अगली वाली चैन में हमें एक ही चैन में दो बार अपने डबल क्रोशिया को ट्रिपल क्रोशिया की तरह बनाना है। एक ही चैन में हमें दो बार बनाना है, एक, दो। अगली चैन में हम एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया की तरह। अब हमारी दो चैन बची, तो लास्ट वाली चैन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। और लास्ट में हमने जैसे शुरू में सिंगल क्रोशिया बनाया था, तो लास्ट वाली चैन में मैं एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। इस तरह हमारी ये पत्ती कंप्लीट हो गई। अब इसे यहाँ पे मैं लास्ट में जहाँ शुरू किया था वहाँ से स्लिप चैन से जोड़ के अपनी ऊन को मैं यहीं पे कट कर देती हूँ। इस तरह हमारा ये पत्ती बन जाती है। अब इसको हम यहाँ पीछे से इस तरह से एडजस्ट कर देते हैं। इस तरह से हमारी ये पत्ती बन गई। आगे एक तरफ हमारी पत्ती की टिप बन जाती है।
इस तरह मैंने अपनी सभी पत्तियां और सभी फूल बना लिए। अब हम अपनी ड्रेस को इन सभी से डेकोरेट करते हैं। ये हम चाहे सुई धागे से कर सकते हैं या मैं इसे हॉट ग्लू से कर सकती हूँ, तो मैं आपको दोनों तरह से करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने अपनी सुई में येलो कलर का धागा पिरो लिया। अब मैं अपनी दो पत्तियां लेती हूँ, दोनों पत्तियों को मैं अपने एक जो हमने आगे से फ्रंट डबल क्रोशिया बनाया तो उसमें एक रो बन जाती है, उस रो के ऊपर इस तरह से दोनों पत्तियों को इस तरह से तिरछी लगाऊंगी। ये ग्रीन से शुरू करेंगे हम और इस तरह तिरछी लगाते हुए मैं इन्हें यहाँ पे इस तरह से इन्हें सील दूंगी। इसी तरह से मैं अपनी दूसरी पत्ती को इधर से सिल देती हूँ। इस तरह से आपको दोनों पत्तियां इस तरह सिलनी है। दोनों पत्तियां सिलने के बाद हम अपना एक फूल लेंगे। फूल लेने के बाद मैं इसे इस तरह से सेंटर में से अपनी सुई को ऊपर करती हूँ, दोनों पत्तियों के बीच में। सेंटर में से इस तरह से अपनी सुई को डालती हूँ और इन दोनों पत्तियों के ऊपर अपनी फूल को इस तरह से लगा देती हूँ। अब इस फूल के ऊपर हम एक इस तरह का राउंड पर्ल लेते हैं, जो मैं राउंड पर्ल को इसके ऊपर लगा देती हूँ और इसी जगह अपनी नीडल को वापस ले जाती हूँ और फिर इसे मैं यहाँ पे फिक्स कर देती हूँ। इस तरह से हमारी ये दोनों तरफ ये पत्तियां और इस तरह की हमारी ये फूल लग जाता है। अब अगली वाली पे एक छोड़ के एक तो हमें फूल लगाना है और ये पत्ती लगानी है, और अगली वाली के ऊपर मैं इस तरह की मैं अपनी ये स्टोन चैन की पट्टी आती है उसमें से मैंने ये फोर फोर पीस काट लिए, फोर फोर के चौकोर पीस काट लिए। इस तरह की पट्टी आती है उन्हें मैं इस पे इस तरह से तिरछा लगाऊंगी। इसे भी हम सुई से लगा सकते हैं। इस तरह से अपने थोड़ा टाइटली जाता है लेकिन लग जाता है सुई से। इस तरह से दो तीन स्टिच लगा के इसे भी हम सुई से लगा देंगे। तो मैं ये सभी लगा के ले आती हूँ। इस तरह से मैं सभी एक पे इस तरह की पट्टी लगाऊंगी और एक पे फूल और अपनी दो पत्तियां लगाऊंगी। इस तरह लगाते हुए मैं अपनी ड्रेस को कंप्लीट करके ले आती हूँ। इस तरह हमने सभी जगह अपने फ्लावर को और अपनी स्टोन चैन की पट्टी को लगा के अपनी ड्रेस को कंप्लीट कर लिया है। बनने के बाद हमारी ड्रेस कुछ इस तरह की बनती है। अगर आपको मेरी ड्रेस अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।